सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ काबली चना का छोला। तो उसके लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया। यहाँ जीरा, गोलमिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, मिर्च मैंने लिया। अब लूँगी प्याज, लहसुन, अदरक। सो फ्रेंड्स, अब मैं काबली चना को जा रही हूँ उबालने के लिए। उसके लिए मैंने धुल के इसको कुकर में दे दिया है पानी, नमक, सरसों तेल, हल्दी। थोड़ा सा प्याज और तेज़पत्ता दूंगी और इसको अब उबलने के लिए दूंगी। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ मैंने तेल में पचफोरन दिया है और प्याज दिया है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मैंने मसाला को छौंक दिया है। इसको पकने के लिए ढक देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें उबला हुआ काबली चना जो मैंने कुकर में उबाला था वो दे दिया है। बस अब इसको थोड़ी देर पकने दूंगी और धनिया पत्ती के साथ गार्निश करूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। देखिए मैंने टमाटर को छौंक दिया है, उसमें पचफोरन, तेज़पत्ता, हींग दिया है, फिर टमाटर दिया है, फिर हल्दी और नमक दिया है। अब इसको पकने के लिए ढक देना है। देखिए यहाँ टमाटर अच्छे से सीज गया था। अब इसमें मैंने गुड़ दे दिया। अब गुड़ के साथ इसको 5 मिनट पकने दूंगी, फिर इसमें दूंगी भूजा हुआ मसाला। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ टमाटर की चटनी बनके तैयार है। मैंने इसमें भूजा हुआ मसाला दिया है। भूजा हुआ मसाला में मम्मी ने भूजा था जीरा, तेज़पत्ता, धनिया और मिर्च, यही सब भूजी थी ना। फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ आज का सेकंड सब्जी, मतलब सहजन और आलू की सब्जी। यहाँ मैंने तेल में सरसों का फ़ोरन दिया है और अब मसाला छौंका है। मसाला में जैसा एज़ यूज़ुअल हम लोग मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन इसके मसाला में सरसों होता है। तो मैंने सरसों के साथ प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और सारा गरम मसाला, जीरा वगैरह पीसा है और अब दिया है पकने के लिए। है ये है सहजन। फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए मैंने फिर से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। एक दो दिन से मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, पर लास्टली कल मैंने जाके डॉक्टर को दिखा दिया है। उन्होंने क्लीनिंग किया है और फिर से ट्यूसडे को मुझे बुलाया है। अभी लगभग एक सप्ताह 10 दिन क्लीनिंग चलेगा, उसके बाद उसको फील किया जाएगा। बट मेरे दर्द में 90% रिलीफ है। और आज मैंने आप लोग देखे ही होंगे मैंने क्या क्या खाना बनाया। आज संडे था तो संडे स्पेशल खाना था। और अभी टाइम हो रहा है 1:15 बाकी है, तो बस चलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। उसके साथ ही हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा खाना, मेरा, रूपा का और लड्डू का। हम लोग हमेशा एक थाली में खाते हैं, एक साथ खाते हैं, इसलिए जब भी मैं अकेले खाना खाती हूँ तो मुझे अजीब लगता है।